कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा नेताओं के बिजली बिलों को लेकर लगाए आरोपों का विधायक आकाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया और कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा नेताओं के बिजली बिलों को लेकर लगाए आरोपों का विधायक आकाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया और कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। अभी अभी मुझे जानकारी लगी है कि प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हम लोग किसी बिजली माफी योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा बिजली का बिल 103 रुपए आया है। उन्होंने ये बिल प्रस्तुत किया है, तो मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ये बात सरासर गलत है। जो बिल उन्होंने प्रस्तुत किया वो हमारे घर के पास में ही एक खाली प्लॉट है, उसका बिल प्रस्तुत किया है। आप पीछे देख सकते हैं खाली प्लॉट और एक ये छोटा सा स्टोर बना हुआ है जिसे हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, और उसका ये मिनिमम बिल आया है 103। हमारे घर का तो बिल ये लगभग 30,000 रुपये का है, जो जिस घर में हम लोग रहते हैं, हमारा पूरा परिवार रहता है, 30,000 रुपये का बिल है। और पहले ये बिल बहुत कम आता था, अभी अभी जब से कांग्रेस की सरकार आई है इतना आने लगा है, तो मैं तो स्वयं पीड़ित हूँ एक प्रकार से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश सरकार ने एक इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की है, उसमें जिस भी परिवार में 150 यूनिट से कम आएंगे उनको सब्सिडी मिलेगी। अब वो चाहे सुदर्शन गुप्ता हो, चाहे आकाश विजयवर्गीय हो, चाहे राजा यादव हो, चाहे संतोष यादव हो, या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, जिसके परिवार में 150 यूनिट से कम आएंगे उसको सब्सिडी मिलेगी। मेरे परिवार में 10 अलग अलग कनेक्शन है, मेरे यहाँ चक्की चलती है तो उसका अलग कनेक्शन है, टायर की दुकान है उसका अलग कनेक्शन है, मैं जा रहता हूँ वहाँ का अलग कनेक्शन है, और ये मेरी माताजी के नाम का मकान है जहाँ पर मेरा किराएदार रहता है। किराएदार दोनों पति पत्नी हैं, 15 दिन यहाँ रहते हैं और 15 दिन उनके पुत्र के यहाँ रहते हैं। अब उनको उसमें यूनिट कम जलती है तो उनको उसकी सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी का लाभ जो है उस मकान में रहने वाले किराएदार को मिलता है। तो ये या तो ये, और हमने कोई आवेदन नहीं दिया सब्सिडी के लिए कि आप हमको सब्सिडी दो, ये तो सरकार की नियम है। और इन्होंने सॉफ्टवेयर वहाँ पर फिट कर रखा है कि 150 यूनिट से जिसका कम जलेगा उसको इसका लाभ मिलेगा। उसमें आप पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं और मीडिया वाले भी हो सकते हैं, आम जनता भी हो सकती है, और ये खुद भी कह रहे हैं कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सबको मिल रहा है। विजयवर्गीय का कहना है कि जिस बिल को कांग्रेस ने दिखाया है वो खाकी भूखंड का है, जबकि गुप्ता का कहना है जिस बिल में उन्हें सब्सिडी मिली है उस मकान में किराएदार रहते हैं। इस मामले में अब कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी कूद पड़े। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, इसमें गरीब लोगों को सहायता मिल रही है, किंतु यह जांच का विषय है कि विद्युत वितरण कंपनी और भाजपा नेताओं के बीच क्या है जिसके चलते भाजपा नेताओं के बिल कम आए। अब पूरा मामला जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। इस मामले में कंपनी जल्द ही जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, इंदौर।